पटना में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के एलसीटी घाट के पास गंगा नदी की तेज धार में 6 बच्चे बह गए। हालांकि 2 बच्चे किसी तरह से पानी से बाहर निकल गए, जबकि 4 अन्य बच्चे डूब गए। सभी बच्चे गंगा नदी में स्नान करने गए थे। छानबीन के बाद 2 बच्चों का शव बरामद कर लिया गया, वहीं 2 अन्य की तलाश जारी है। दोनों लापता बच्चों को गंगा नदी से निकालने के लिए गोताखोर की ओर से प्रयास जारी है। सभी बच्चे रविवार सुबह गंगा स्नान करने गए थे। घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम और बुद्धा कॉलोनी की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। एक मृतक बच्चे के पिता घटना पुलिस में तैनात हैं। गंगा नदी में हुए इस हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। बड़ी संख्या में लोग गंगा घाट पर बच्चों की तलाश में जुट गए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।